अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, हम कर रहे हैं यूवेटिस, और यूवेटिस में वी आर डन विद द इंटीरियर यूवेटिस। एक्यूट और क्रॉनिक हमने दोनों कर दी, और अब हम करने लगे हैं इंटरमीडिएट यूवेटिस। पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट क्रॉनिक क्या है और इंटीरियर इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर क्या है। तो हमने बात कर ली इंटीरियर में जो आयरिस और पार्स प्लेकेटा ऑफ सिलरी बॉडी है वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट यूवेटिस में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो है पार्स प्लेना ऑफ सिलरी बॉडी एंड विट्रेस के एंटीरियर पोर्शन के, विट्रेस बेस की। ठीक है, तो आपके बेसिकली जो याद रखना है आपने कि इंटरमीडिएट यूवेटिस में ये पार्स प्लेना और विट्रेस आर द मेन कल्प्रिट्स, यानी कि ये वो दो चीजें हैं जो कि मेनली इसमें इन्वॉल्व होंगी। और फिर सेकेंडरीली जाहिर है आपके रेटिना को खराब कर सकते हैं, आपके किसी और चीज को इन्वॉल्व कर सकता है अगर ज्यादा अर्से तक रहेगा, लेकिन ये दोनों वो चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होंगी अगर शुरू में, तो उसको हम इंटरमीडिएट यूवेटिस कहेंगे। ठीक है, तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पार्स प्लेना एंड विट्रेस बेस। बेसिकली कहते हैं कि विट्रेस का जो इंटीरियर पोर्शन है जो लेंस के पीछे होता है विट्रेस बेस होता है, वो आपका पहले इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन है, ये आंख है ना, तो ये आपका लेंस है, ये है आपकी सिलरी बॉडी, पहले उसका पार्स प्लेकेटा पोर्शन होता है फिर पार्स प्लेना होता है, ऐसे ही ना, ये वाला पार्स प्लेना है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है विट्रेस ह्यूमर का, दिस वन, ये जो इंटीरियर वाला, इसको विट्रेस बेस कहते हैं, तो ये आपका इन्वॉल्व हो जाएगा साथ। ठीक है, अभी जो इंटरमीडिएट यूवेटिस है ना, बेसिकली ये आपका लाइक आप समझ लें कि एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस सबसे कॉमन है, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट होता है। और कॉजेज इसकी अगर देखा जाए कि क्या कॉज होता है, तो ये वही वाले सारे कॉजेज हैं जो हमने शुरू में बताए थे कि कोई भी कॉज हो सकता है, इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव किसी भी वजह से, लेकिन ज्यादातर इट इज इडियोपैथिक इन नेचर। लाइक इसका कॉज हम नहीं समझ पाते कि क्या है, क्यों हो गया ये, ज्यादातर केसेस जो है ना वो इडियोपैथिक होते हैं। और अगर नॉन कॉज होता भी है तो वो ज्यादातर रिलेटेड टू एनी सिस्टेमिक डिसऑर्डर होता है, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सारकोइडोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, जितने आपके सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं इनके साथ हो जाता है। ठीक है, अलग से जो आपका इंटरमीडिएट यूवेटिस है वो अगर होगा तो उसमें हमें कोई डायरेक्ट बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन टाइप कोई सीन नहीं नजर आता होता। ठीक है, तो कॉज बहरहाल इतनी सी है, और कॉज के बारे में इतना सोचने की उस तरह जरूरत इसलिए नहीं है कि कॉज इतनी ज्यादा पूछते नहीं है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट है। क्लिनिकल फीचर्स में अब आप देखें खुद से, अगर अपने जहन में लिखे हैं, ठीक है, आपने खुद अगर नहीं सोचना, मतलब अगर आप ये नहीं भी सोच रहे कि आपको नहीं पता कि क्या होता है, आप अपने जहन में सिर्फ इतना आपको पता है कि पार्स प्लेना और विट्रस ह्यूमर इन्वॉल्व हो रहा है, आयरिस बन गया, ये आपका पार्स प्लेकेटा ऑफ सिलरी बॉडी, एंड ये पीछे जो स्ट्रेट पोर्शन होता है ये पार्स प्लेना होता है। ठीक है, यहाँ भी आयरिस और ये फिर सिलरी बॉडी और फिर कोरोइड शुरू हो गया। अब मैंने कह दिया कि दिस वन इज द पार्स प्लेना पोर्शन ऑफ द सिलरी बॉडी, और यहाँ पर ये सारा पोर्शन इज द विट्रेस ह्यूमर की विट्रेस बेस कहते हैं। वैसे तो ये सारा विट्रेस ह्यूमर ही है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना बीच में, ठीक है, इस वन इज द विट्रेस बेस। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन होगी तो सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स इस जगह पर आएंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब आपको विट्रेस ह्यूमर में मिलते हैं, तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी, विट्रेस को हम अलग से भी जब पढ़ेंगे तब फिर से डिस्कस करेंगे कि विट्रेस ह्यूमर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स या किसी भी किस्म का सेल ऑलवेज लीड्स टू अ कंडीशन विच इज नोन एज फ्लोटर्स। वो वहाँ मैंने लिखा भी है, सिम्टम्स होते हैं। फ्लोटर का मतलब है कि आप देखें यहाँ पर रेटिना है ना, ये रेटिना है सारा आपका, ठीक है, जिसमें विजन ने बनना है, जिस पे तस्वीर ने बनना है, जो कैमरे की फिल्म होती है, रेटिना पे तस्वीर जो बनती है वो इसलिए क्योंकि आगे सब कुछ क्लियर है। आगे कुछ भी जब आपका अनक्लियर होगा कोई चीज़, तो जाहिर है रेटिना पे जो तस्वीर बनती है वो क्लियर नहीं बन सकती, ब्लर्ड विजन होती है। उसमें जब आपका विट्रस ह्यूमर है, ये सारा जेल है, जेल में अगर आपको कोई सेल्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं जेल के साथ, जब जेल हिलेगा, आंख हिलेगी, तो वो सेल्स भी ऊपर नीचे होंगे, तो पेशेंट को मुसलसल अपने विजन में ना वो कहेगा कि जितने सेल्स हैं उतना वो कहेगा कि मुझे नुक्ते नजर आते हैं, मुझे नाचते हुए धागे नजर आते हैं, मुझे तैरते हुए नुक्ते नजर आते हैं, मुझे हर कोई अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है कि मुझे गोल गोल दायरे नजर आते हैं जो मेरी नज़र में हर टाइम घूम रहे होते हैं। वो बेसिकली आपके इन्फ्लेमेटरी या किसी भी किस्म के सेल्स हैं जो कि विट्रस ह्यूमर में फ्लोट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्लोटर्स। फ्लोटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटर्स क्या है। सिर्फ इसमें नहीं होते, बहुत सारी कंडीशन में फ्लोटर्स आ सकते हैं जो हम विट्रेस में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक ये भी है उनमें से जिसमें आते हैं। तो पेशेंट की कंप्लेन कुछ और नहीं होती, पेशेंट का कोई खास दर्द नहीं हो रहा होता क्योंकि इसमें कोई आपकी मेजरली नर्व इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। तो आप पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो ये कि उसकी विजन में धागे अचानक से आ गए, अचानक से वो उसने देखा कि उसको धागे आ गए या नुक्ते आ गए, जो भी आ गए उसको सही से नजर नहीं, ब्लर्ड विजन इतनी ज्यादा नहीं होती, लाइक ब्लरिंग उतनी नहीं होती, लेकिन विजन बाकी सारी क्लियर है, लेकिन उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ नजर आने लग गया, ठीक है, जो हर टाइम तैरता रहता है, उड़ता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, व्हाटएवर, ये होगी पेशेंट की कंप्लेन। हमने देखेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा, जाहिर है आगे के स्ट्रक्चर्स, कॉर्निया क्लियर होता है, कोई खास उसमें मसला नहीं होता, बहुत ही कम ऐसा होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके यहाँ से गुजर के एंटीरियर चैम्बर में आ जाए, तो आपको एसी में यानी एंटीरियर चैम्बर में कुछ सेल्स मिलते हैं
और उससे भी कम ऐसा होता है कि ये सेल्स आपकी एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया पे डिपॉजिट कर दें, ठीक है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना कि एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया पे जो सेल्स डिपॉजिट करते हैं उनको हम कहते हैं केराटिक प्रेसिपिटेट्स। तो केराटिक प्रेसिपिटेट्स हो भी सकते हैं लेकिन कॉमन नहीं है, ज़रूरी नहीं है हो, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए कि एसी में सेल्स हों और वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिपॉजिट होगी, अगर होगा तो यही रीज़न होगी, ठीक है। उसके बाद जो होना लाजमी है यहाँ पे वो है विट्रस ह्यूमर में सेल्स, विट्रस बेस में एंटीरियर पोर्शन ऑफ द विट्रस, यहाँ पर आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, विट्राइटिस हुआ हुआ होगा। और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको विट्रस ह्यूमर में मिलते हैं उनको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्नो बॉल्स, ठीक है। मेडिकल की लैंग्वेज में स्नो बॉल्स उन सेल्स को कहते हैं, स्नो बॉल्स इन द आई, जब भी नाम लेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि विट्रस ह्यूमर में आपके कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट है, जिनको जो जब हमें नजर आएंगे, जब हम उसको व्यू करेंगे तो हमें ऐसा नजर आएगा जो स्नो बॉल्स होती हैं, जो आपकी स्नो होती है, जो बर्फबारी होती है उसकी तरह के हमें नजर आते हैं। और क्या होता है कि जब आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो सेल्स ऐसे ऐसा, हम क्या होते हैं, एक रोड है, सड़क है, सड़क पे जब बर्फ़ पड़गी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, मशीन से मुराद गाड़ियाँ आती हैं, जो उस सारी बर्फ़ को साइड पे रोड के किनारे कर देती हैं ताकि रास्ता साफ हो जाए, ऐसे ही है ना। फिर वो सारी बर्फ़ आपको बहुत अरसे तक रोड के किनारे पे पड़ी हुई नज़र आती है और रास्ता साफ हो जाता है। यहाँ पर भी आँख में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए हमने इसको स्नो बॉल कहा है कि ये सेल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन क्या होता है कि विट्रस में मूव करते करते ना आहिस्ता आहिस्ता ये होता क्या है कि ये एक सेकेंड बहुत कुछ बन गया, इधर साफ कर दिया, अच्छा होता क्या है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता एक कोने कोने पे आते जाते हैं और क्या होता है ये सारे ना ऐसे सिलरी बॉडी के पार्ट्स प्लेना के ऊपर भी डिपॉजिट करते जाएंगे। उसके बाद अंदर की तरफ रेटिना है ना, रेटिना के ऊपर भी इधर पेरिफेरल रेटिना पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, यहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता नए आ जाएंगे क्योंकि हमारे रिजॉल्व तो नहीं हुआ मसला। लेकिन जो पुराने वाले हैं, जिस तरह हम ये करते हैं ना कि जब बर्फ पड़ जाती है तो पुरानी बर्फ साइड पे कर दी जाती है, फिर नई बर्फबारी हो जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पहले वाली साइड पे हो जाती है, सेम यही हिसाब है कि जो सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे बॉर्डर्स पे आ जाते हैं। उसको जब हमें नजर आते हैं ना तो ऐसे नजर आते हैं जैसे बर्फ किसी ने साइड पे कर दी है और सारी साइड्स पे चलेगी, उसको हम कहते हैं स्नो बैंकिंग। तो स्नो बैंकिंग भी एक बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटरमीडिएट यूवेटिस का, ये बात आपने याद रखनी है। दीज टू आर द वेरी करेक्टरिस्टिक थिंग्स जो आपको नजर आनी चाहिए इंटरमीडिएट यूवेटिस में। और अगर आपका स्नो बैंकिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स रेटिना पे प्रेजेंट होंगे तो रेटिना भी इन्वॉल्व हो सकता है, रेटिना में आपकी उसके साथ ही आपकी रेटिना इन्वॉल्व होगा, तो रेटिना पे आपकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो ऑप्टिक नर्व और जो आपकी है अपनी गैंग्लियन सेल लेयर और नर्व फाइबर लेयर वो इन्वॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा अंदर जाएगा तो आपकी वेसल्स इन्वॉल्व हो जाए, फ्लेबाइटिस हो सकता है, वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यहाँ पर आपकी ऑप्टिक डिस्क पड़ी हुई है, ऑप्टिक डिस्क एडीमा हो सकता है, मतलब जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेमेशन है तो ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती है क्योंकि जाहिर है स्नो बैंकिंग होगी। तो ये आपके मेनली फीचर्स होते हैं कि रेटिना अक्सर इन्वॉल्व हुआ हुआ होता है क्योंकि स्नो बैंकिंग हो चुकी होती है, तो ये आपने याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशंस जो ऑलमोस्ट हमने एंटीरियर यूवेटिस की पढ़ी थी वैसे ही होती हैं कि आपका अगर मैक्यूला वाला पोर्शन जो रेटिना का है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन चली जाती है, मतलब इन्फ्लेमेटरी सेल चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे उसके अंदर एडिमा हो जाएगा, एडिमा होता है ना तो मैक्यूला का पोर्शन ऐसे उसके अंदर सारे एडिमेटस फ्लूइड आ जाता है, तो वो ऐसे उभर सा जाता है, ऐसा लगता है जैसे सिस्ट बन गई है, उसको हम कहते हैं सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा, ठीक है, CME उसे लिखते हैं, सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा, कि सिस्ट की तरह का मैक्यूला में एडिमा हो गया, तो वो आपको OCT करते हैं ना जब ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी, तो उस पर बड़ा क्लियर नजर आता है। ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी वो वाली जिसमें आपको ना रेटिना की सारी लेयर्स बड़े आराम से दिखाई देती हैं, तो वो आपका एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद यू कैन डेवलप रेटिना में जब आपकी वेसल्स मैंने कहा इन्वॉल्व होगी, वेसल्स में एडीमा हो गया तो वो वेसल्स ब्लड सप्लाई नहीं करेंगी, फिर क्या होगा, उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए न्यू वेसल्स आती हैं, तो न्यू वेस्कुलराइजेशन इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड अ वेरी वेरी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये आपकी विजन लॉस भी कर सकती है। तो पहली CME है, दूसरी न्यू वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है सिलसिला और स्नो बैंकिंग ज्यादा होती है तो आपका रेटिना डिटैच भी हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखें पहले हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस आती थी वो आगे से पीछे हम जाते थे, यहाँ पर इंटरमीडिएट यूवेटिस में ज्यादा पीछे का मामला है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस भी पीछे पीछे की आ रही है, रेटिना की आ रही है ज्यादातर, कि आपका रेटिना में एडिमा हो गया, रेटिना डिटैच हो गया, रेटिना की वेसल्स खराब होगी, और आपके पास जो देर से आने वाली कॉम्प्लिकेशंस है जो कम आती हैं उनमें आपका लेंस इन्वॉल्व हो सकता है या ग्लोकोमा हो सकता है, लेकिन ये बाद में आएंगी, ठीक है। होगी कॉज वही होगी जो आपकी क्रॉनिक यूवेटिस में थी, कि आपका यहाँ पर कैटरेक्ट आ जाएगा, अगर ट्रबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक होगा तो ग्लोकोमा हो जाएगा, लेकिन मोर कॉमन आर द रेटिना वाली, ठीक है।
डायग्नोसिस हमने इसका एस्टेब्लिश कर लेना होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के, हम उसकी एग्जामिनेशंस करेंगे, उसके लैब फाइंडिंग्स देखेंगे, आई की एग्जामिनेशन भी करनी है, बाकी जो बॉडी की सिस्टेमिक एसोसिएशन अगर हमें लग रही होती है तो हमने उसको भी चेक लाजमी करना होता है, ठीक है। और इसका कोर्स जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ना ये तंग करती है चीज़, अगर प्रॉपरली ट्रीट ना की जाए तो ये फिर आपको बार बार रिलैप्स करती है, बार बार पेशेंट को तंगी देती है। ट्रीटमेंट क्या देनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट ही स्टीरॉइड से होती है, क्योंकि ये पीछे वाले पोर्शन में है ना आपकी आंख के, तो रेटिना की इन्वॉल्वमेंट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, तो आप शुरू में ही रिस्क नहीं लेते, एंड स्टीरॉइड से यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी आपने देने हैं आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इडियोपैथिक है या फिर इसका एसोसिएशन आपकी बॉडी के डिसऑर्डर से है, तो इस वजह से पहले बॉडी के डिसऑर्डर्स तो ट्रीट करनी ही करनी है, लेकिन जो सेकेंड हमने आई को देखने के लिए करनी है वो स्टीरॉइड्स है। टॉपिकल भी देते हैं, पेरीऑक्युलर यानी आंख के साइड पे आपने देने होते हैं, बाहर की तरफ जो आंख के नीचे आपने इंजेक्शन देना होता है वो भी उस तरह भी देते हैं, अगर उनसे गुजारा नहीं होता तो आप सिस्टेमिक भी देते हैं, और यू कैन इफ नीडेड तो आप इंट्राविट्रियल डायरेक्ट विट्रियस ह्यूमन में भी स्टीरॉइड्स देते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, देने पड़ते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हमें इस तरह रिजॉल्व नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये सारी तरह के आप स्टीरॉइड्स देते हैं पेशेंट को, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और उसकी इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इम्यूनो सप्रेशन वगैरह इस वजह से देते हैं तब जब पेशेंट की कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ये हुआ हो, जैसे आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर उसकी वजह से ये सब कुछ डेवलप हो रहा है तो फिर लाजमी तौर पे आपको एजाथियोप्रिन, मीथोट्रेक्सेट जो आपकी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हैं वो देते हैं, ताकि ये जो आंख में इफेक्ट हो रहा है वो कम हो और पेशेंट ब्लाइंड ना हो जाए। और नियोवेस्कुलराइजेशन अगर होगी तो एंटी वेजेफ देंगे, एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। अच्छा जी, अगर आपकी मेडिकल थेरेपी से एक बात नहीं बनती और इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं करी बल्कि बुरी होती जा रही है, तो फिर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है। पहले ये करते थे कि क्रायोथेरेपी देते थे, क्रायोथेरेपी मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रीजिंग थेरेपी होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर आप एक जगह को दे देंगे तो वो जगह फ्रीज हो जाएगी और वहां पर इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन देखा यह गया है कि इसकी वजह से मजीद इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, इसलिए क्रायोथेरेपी को अब प्रोमोट नहीं किया जाता, उसके बजाय लेजर ट्रीटमेंट ज्यादा आ गई है, उसके जरिए आपको एगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो अब करते हैं, ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट। और अगर पेशेंट को इतना ज्यादा ब्लाइंडनेस होती जा रही है, उसकी ब्लर विजन इतनी ज्यादा हो गई है विट्रस ह्यूमर में सेल्स की वजह से कि उसको ऑलमोस्ट नियर टू ब्लाइंडनेस आ गया, मतलब विट्रस में उसके इतने सेल्स आ गए, इतनी इन्फ्लेमेशन है, तो फिर हम क्या करते हैं कि पार्स प्लेना से जाते हैं और विट्रस को रिमूव कर देते हैं, विट्रेक्टमी कर देते हैं, ताकि पेशेंट की जो ब्लाइंडनेस वाला मसला है वो ना डेवलप हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बात खत्म करते हैं, किसी को कोई मसला हो ये कि नास में, थैंक यू।